नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव वेदशाला से बोल रहा हूँ। इस बार हमने देखा कि माता प्रकृति ने उल्टी चाल चली और डिप्रेशन हुआ, ज़्यादातर पैदा होता है समंदर में और फिर चक्रवात में बदल करके फिर जमीन पर आता है। इस बार उल्टा हुआ, मध्य प्रदेश में डिप्रेशन हुआ पैदा और जाकर के राजस्थान में डिप्रेशन बदल गया, फिर गुजरात में तबाही मचाता हुआ समंदर में गया और समंदर में जाकर के वो बदल गया चक्रवात में, असना चक्रवात में। ऐसा क्यों हुआ? माता प्रकृति उल्टी चाल क्यों चली? क्यों? ये हमारी सुख की अंधी दौड़ के वजह के कारण है। सुख की जो अंधी दौड़ हमने दौड़ी उसकी वजह से हमने जो प्रदूषित पार्टिकल्स पैदा किए उसने बादल के बनने के बेस बना दिया और जो कार्बन डाइऑक्साइड किया उसने हीट ट्रैप कर दी, जिसके चलते बादल और ज्यादा बन गए और लो प्रेशर जनरेट हुआ मध्य प्रदेश में और उसके चलते वहां डिप्रेशन पैदा हो गया और समंदर में जाकर के जब गिरा तब समंदर तो और भी ज्यादा गर्म था तो उसने उसको चक्रवात में बदल गया। ये माता प्रकृति हमें चेतावनी पर चेतावनी देती चली जा रही है। उल्टी चाल भी उसकी एक चेतावनी है। ऐसा भी नहीं हम संभले तो आने वाले समय और भी ज्यादा ऐसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखने को मिलेगी। तो आइए माता प्रकृति का पुनर्निर्माण करें, वृक्षारोपण करें, जल संवर्धन करें और जहां भी जो भी कुछ तकलीफ है उसको दूर करने का प्रयास करें। आइए प्रयास करें दिल से माता प्रकृति को फिर से संवारे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। हे ईश्वर, सर्व प्राणी मात्र का मंगल करो। मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव वेदशाला से बोल रहा हूँ। आइए संकल्प करें, करें या मरे अभी या कभी नहीं, माता प्रकृति का जीव से ज्यादा जतन करें। माता प्रकृति है तो हम है, हम है तो जीवन है, जीवन है तो ही सृष्टि है। तो माता प्रकृति का जतन करें। नमस्कार मित्रों।